आपने कभी ऐसे पंछी को देखा है जो मधुर सुर में गाना गाता है? और क्या आपने मोजे पहने हुए किसी पंछी को देखा है? क्या आपने फुदक फुदक कर चलने वाले किसी पंछी को देखा है? आज हम बताएंगे ऐसे ही पांच पंछी के बारे में जिसे देखने में नसीब लगता है। ये इतने रेयर हैं जिन्हें कुछ ही लोग देख पाते हैं। नंबर 5, काकापो। काकापो नाम के इस पंछी को ऑल पैरोट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, आप इस पंछी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये पंछी उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग हरा होता है। इनकी लंबाई 22 से 25 इंच तक की होती है। काकापो नाम के इस पंछी की सबसे खास बात यह है कि ये पंछी उड़ती नहीं है बल्कि फुदक फुदक कर चलती है। नंबर 4, जूनिन ग्रीव। जूनिन ग्रीव नामक ये पंछी इतना रेयर क्यों है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनकी प्रजाति अब विलुप्त होने को है। अभी की बात करें तो सिर्फ 250 जूनिन ग्रीव इस दुनिया में बचे हुए हैं। इसीलिए ये जहाँ रहते हैं वहाँ शिकार करना और मछली पकड़ने पर सरकार ने बैन लगाई है। नंबर 3, सुपर्ब लायर बर्ड। सुपर्ब लायर बर्ड सबसे सुंदर और निराले पंछियों की लिस्ट में आता है। ये पंछी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पंछी की काफी सारी खूबियां हैं, जैसे कि इनकी सुंदर लंबी पूंछ और किसी की नकल करना और अपने आवाज से गाना गाना। ये पंछी थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये पंछी ज्यादातर गाना गाते हुए दिखाई देता है। और दोस्तों, वीडियो अगर रोमांचक होने वाली है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज ये नाम इस बर्ड को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पंछी दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इस प्रजाति के सिर्फ मेल पंछी ही खूबसूरत होते हैं। मेल पंछी के मुकाबले फीमेल पंछी काफी अलग दिखती है। वैसे ये पंछी तो पूरे काले रंग का होता है, लेकिन इसके गर्दन के नीचे नीला चमकीला रंग होता है जिसको ये डांस करते वक्त पूरा खोल देता है। और आप देख ही सकते हैं कि ये पंछी डांस करते वक्त कितना अद्भुत लगता है। अब फाइनली नंबर 1, क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड ये पंछी दिखने में कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन दुर्लभ पंछियों में गिने जाते हैं क्योंकि मेल बर्ड के आगे का हिस्सा लाल रंग का होता है। मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने आगे का लाल हिस्सा फुला देता है ताकि फीमेल बर्ड इनकी तरफ आकर्षित हो सके। और इनकी वजन की बात करें तो ये 1.5 केजी तक हो सकते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में @part2 लिखें।